करोड़ों की लागत से बने महल जैसे दिखने वाले छत्तीसगढ़ के इस बीजेपी कार्यालय में अब पार्टी को अपनी हार नजर आती है। अंधविश्वास का बीजेपी पर ऐसा भूत सवार हुआ है कि उसने दोबारा अपने पुराने दफ्तर में पलायन करने का फैसला कर लिया। कई महीनों से सुनसान पड़े पुराने दफ्तर को बाकायदा पूजा पाठ करके दोबारा से तैयार किया गया। सूत्रों की माने तो पार्टी को उम्मीद है कि राज्य में दोबारा जीत इस दफ्तर के सहारे मिलेगी। लेकिन जब सीएम साहब से ये सवाल किया गया तो वो अंधविश्वास की बात से इनकार करते नजर आए। कोई शुभ शुभ नहीं, यहाँ से चूंकि जिस पिच में आप लगातार खेलते रहे हो और जिस पिच के बारे में जानकारी होती है, उस पिच में यदि मैच होता है तो बड़ा कंफर्टेबल होता है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में शानदार जीत के बाद बीजेपी ने यह आलीशान दफ्तर बनवाया था, लेकिन इस दफ्तर में पार्टी के शिफ्ट होते ही बीजेपी को एक के बाद एक कई चुनावी झटके लगे और पांच सितारा जैसा दफ्तर पार्टी के लिए मनहूस हो गया। ऐसे में पार्टी आगे आने वाले चुनाव में कोई रिस्क नहीं उठाना चाहती। वहीं विपक्ष को भी बीजेपी पर हमला करने का मुद्दा मिल गया। भाजपा जब से अपने नए कार्यालय में गई है लगातार हार का मुंह देखना पड़ा है। पंचायती राज चुनाव में, त्रिस्तरीय चुनाव में वे हारे, नगरीय निकाय चुनाव फेज वन में हारे, फेज टू में हारे, नगरीय निकाय चुनाव के उपचुनाव में हारे, पंचायती राज के उपचुनाव में हारे। अंधविश्वास और राजनीति का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। नेता हो या पार्टी, अक्सर विकास पर अंधविश्वास भारी हो जाता है। वहीं अपशगुन का डर बीजेपी को महल से दोबारा खंडहर में ले आया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपने तीन लोकसभा और तीन विधानसभा चुनाव का संचालन अपने इसी पुराने मुख्यालय से किया है और अच्छे रिजल्ट्स भी लाए हैं, लिहाजा पार्टी कार्यकर्ताओं को लगता है कि यह कार्यालय उनके लिए शुभ है और चौथी बार विधानसभा चुनाव में सत्ता में पुनर्वापसी का दरवाजा इसी पार्टी मुख्यालय से होकर गुजरता है।